पानी बहता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूर ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं है, इसलिए निश्चित रही वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से बाराना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला निश्चित रूप से, सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा था, सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा, क्यों कटा। कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा। अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7-7 टिकट उनको दे दिया था, कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए, इतने स्वार्थी हैं आप, आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज के आज ये दोनों स्थापित निर्वाह के हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4-5-6-10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका, आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है, अरे मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपको हो जाता तो आप जाइए उधर जाइए, मेरे पास आएंगे कुछ और मैं कहूँ मैं जाइए इधर, जो 7 में से जीते हैं वही जाइए काम करने, अपना अगर काम दो लोगों को तो कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोपी का समस्या रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान उकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था, आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्हें कहा भाई साहब उनको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए, कहाँ से पहली बार आए। हमने कहा अभी अभी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए, घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए, ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को, आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं। आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं, मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहां हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता, ये कहा विचार, कहा नहीं ठीक है सर आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20-25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पुलिस या पर भी कहीं स्वास्थ्य का पर भी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुम हमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको
तुम्हारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखा है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, पूरे दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दबाव हमारी आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई।